0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों मैं हूं अर्जुन और इस वीडियो में हम लोग उड़ाव में गिनती सीखेंगे, जिसको खुड़ू में मानव खुड़ू गणना भी बोलते हैं। तो ये स्पेशली हम जेएसएससी के लिए कर रहे हैं, तो हर एक दिन मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर आऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लगातार चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग जेएसएससी में अपना लैंग्वेज खुड़ू चुन रहे हैं तो ये जो सीरीज में लेकर आऊंगा वीडियो, ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी खुड़ूक समझ में आता है तो ये आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग अच्छे से इसको सीख सकते हैं। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी भाषाओं के कंपैरिजन में काफी आसान है अगर आप लोग समझते हैं तो। अगर नहीं समझते हैं एक भी, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग खुड़ूक लैंग्वेज में जेएसएससी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आप लोग जानते हैं ना काउंट करना, पर इसी को खुड़ूक में कैसे काउंट करेंगे? तो ये होता है, मैं आप लोगों को पूरा 0 से लेके 100 तक, उसके बाद फिर आगे का गिनती भी सिखाऊंगा और जस्ट आप लोग ये सब तुरंत सीख सकते हैं 5 मिनट के अंतराल में। तो देखिए, ये 0 को हम लोग बोलते हैं निधि, है ना, ये हो गया निधि। फिर ये हो गया 1 को बोलते हैं ओंद। फिर 2 को बोलते हैं एंड। 3 को बोलते हैं मूंद। 4 को बोलते हैं नाक, नाक नहीं है ये नाक है, नाक, खा, खा नहीं है खा है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु लग गया, ये खा नहीं है खा है, नाक। फिर ये 5 को बोलते हैं पंचे। फिर 6 को बोलते हैं सोए। फिर 7 को बोलते हैं साय। और 8 को बोलते हैं अख, अख, है ना। और 9 को बोलते हैं नए। और 10 को बोलते हैं दोए, ठीक है। देखने में आप लोगों को स्टार्टिंग में अजीब लग रहा होगा, पर जितना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अभी कुछ देर में आप लोगों को काफी आसान लगेगा। तो ये चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इसको याद कर लीजिए। कैसे याद करना है, 4-5 बार लिख लीजिए। अब इसको लिख लिख के याद कीजिएगा ना तो आप लोग को याद नहीं होगा, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग इस तरह से याद कीजिए। इसको तो एक बार लिख लीजिए, है ना, फिर ऐसे कीजिए और क्या कीजिए आप लोग ऐसे याद कीजिए। इसको आप 0 मत बोलिए, ये कितना है वहां से एक बार देख के बोल सकते हैं। यह है निधि, और ये है ओंद, और यह है एड, यह है मूंद, यह है नाक, यह है पंचे, यह है सोए, और यह है साय, और यह है अक, और यह है नए, और यह है दोए। इस तरह से आप लोग 5-6 बार अगर लिख लेंगे ना बिना देखे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब उसको इस तरह से लिख लिख के याद कीजिएगा तो वो याद नहीं होगा, ठीक है। ये मैं आप लोगों को तकनीक बता दे रहा हूँ, इस तरह से याद कीजिए आसानी से याद हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरह से। अब एक और चीज आप लोगों को याद करना है तो पूरा गिनती समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये तो हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसको भी याद करना पड़ेगा। तो 10 तो यहाँ पे आप लोग ने देख लिया, ये है दोए, ठीक है। और ये 20 को क्या बोलेंगे, यहीं से आता है तो ये हो जाता है। फिर 20 को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा यहीं से, देखिए इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ये हो जाएगा एंदी, है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, मूंदी, 30 जो है मूंदी, 3 से ही 30 बन रहा है, ये हो गया मूंदी। फिर ये नाख, नाख से नखदी, नखदी, ठीक है। फिर 5 से पंदी, ठीक है, यहीं से थोड़ा सा मॉडिफाई हो। फिर यहां से ये हो गया सोएदी, 60 को बोलते हैं सोएदी, ठीक है। सभी में लास्ट में दी दी लगाते जाना है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा ना। अब ये साय दी, मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, है ना। अब ये 8, 80, ये 8 से 80 बन रहा है तो ये हो जाएगा अखदी, है ना। अब ये नए दी,
अभी, और ये स को यहाँ पे थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सुट्टी, है ना। अब देखिए अगर ये याद कर लिया आप लोग ने, इसको भी उसी तरह से याद करने का मैं सजेस्ट करूंगा। ऐसे आप लोग लैंग्वेज में लिख लिख के याद करेंगे तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको ऐसे कीजिए, 4-5 बार इसको लिख लीजिए। ये हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया एंदी, ये हो गया मुंदी, ये हो गया नकदी, ये हो गया पंदी, ये हो गया सोईदी, ये हो गया सायदी, और ये हो गया अखदी, और ये हो गया नायदी, और ये हो गया सुड्डी। ठीक है, अब ये चीज याद कर लिया आपने तो बस हो गया, समझिए। अब आप लोगों को 10 के बाद 11 बनाना है ना, ये 11 हो गया। तो इसको क्या करना है, 10 को क्या बोलते हैं, दोए, ठीक है। फिर 1 को क्या बोलते हैं, ओंध। ये हो गया आप लोगों का दोए ओंध। उसके बाद 12 क्या हो जाएगा, दोए हमेशा रहेगा ना, जब भी ये 10 के आगे बनेगा यानी कि 11, 12, 13, 14, तो दो ही हमेशा रहेगा ये 10 के लिए। उसके बाद ये हो गया एड, और ये वाला कौन सा आ रहा है, ये वाला यहाँ से आ रहा है ना। ए 1 को ओंड बोलते थे, 2 को एड बोलते थे, उसी तरह से 13 को क्या बोलेंगे, दोए मूंद। बस इतना याद कर लिया, तो अगर ये तो दोनों याद कर लिया तो फिर आप लोगों को पूरा गिनती समझ में आ गया, समझिए। फिर उसी तरह से 14 को दोए नाक, फिर ये दोए पंचे, फिर ये दोए सा, दोए सोए, फिर ये दोए साए, फिर ये दोए अख, ये दोए नए, फिर उसके बाद 20, 20 आएगा, इसीलिए याद करने वाला था। अब 20 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंदी, है ना, ये होगा आपका एंदी, ठीक है। ये चाहे तो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं जो मैंने बोला, है ना, इन दोनों कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा उसी पेज में लेके चलता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 11 क्या लिख रहा हूँ, दोनों कंबाइन कर रहा हूँ। ये 10 के लिए 10 हो गया, ये 2 है, फिर ओन 1 के लिए ओन, फिर 12 के लिए 2 है, फिर 13 के लिए, फिर 13 के लिए 2 मोंट, है ना। इसी तरह से लिखते जाइए, 14 हो गया, 14 के लिए 2, यहाँ से 10 के लिए, उसके बाद नाफ, 2 है नाफ, फिर 15 के लिए 2 है पंचे, फिर 16 के लिए 2 है सोए, फिर 17 के लिए 2 है साए, फिर 2 है नाफ, फिर 2 है नाए, फिर 2 है दोनी, 20 आ गया, 20 के लिए एंडी, है ना। उसके बाद फिर इसी तरह से इसको एक पेज में लिख लीजिए, है ना, दोबारा इधर नहीं आऊंगा, फिर आगे के लिए बता दे रहा हूँ कैसे करना है ना। 20 तक कर लिया आपने, अब आते हैं 21, 22, 23, 24, ये सब करते हैं ना। तो एक मैं बता देता हूँ, 20 के लिए तो कितना था, एंडी था, इसमें भी उसी तरह से मिला मिला के लिखना है एंडी, फिर 1 को कितना बोलते हैं, ओंड, एंडी ओंड, ठीक है। फिर सारी चीज नहीं लिख रहा हूँ मैं, बता दे रहा हूँ बस। फिर ये 22 हो गया एंडी, फिर 2 को कितना बोलते हैं, एड, है ना। तो ये हो गया एंडी और एड, फिर एंडी मूंद, फिर एंडी नाक, फिर एंडी पंचे, फिर एंडी सोए, फिर एंडी साए। इसी तरह से आप लोग इसी को बोलिएगा ना, ऐसे लिख लिख के याद कीजिएगा तो काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद हिंदी आख, हिंदी नाए, उसके बाद 30 को कितना बोले थे, मुंदी, है ना। फिर उसी तरह से स्टार्ट हो जाएगा, मुंदी ओंद, मुंदी एंड, मुंदी मुंदी मुंद, मुंदी नाफ, मुंदी पंचे, मुंदी साए, सॉरी मुंदी सोए, मुंदी साए, मुंदी अक, मुंदी नए, फिर 40 को कितना था, यह था हमारा नकदी, है ना। फिर अब इसका स्टार्ट हो जाएगा, फिर हो गया नकदी ओंद, नकदी एंड, नकदी मुंद, नकदी नाक,
नकदी पंचे, नकदी सोए, नकदी साए, नकदी आख, नकदी नाए, उसके बाद 50 से कितना बोलते हैं, बंदी, अंधा। उसके बाद बंदी का स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं सबको एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बस देख सकते हैं। ये होगा बंदी, ऊन बंदी, एंड बंदी, मूंद बंदी, नाक बंदी, पंचे बंदी, सोए बंदी, साय बंदी, नाय बंदी, आख बंदी, नाय। उसके बाद 60 कितना बोलते हैं, सोई दी, है ना, सोई दी हो गया। उसके बाद सोई दी, ओंद सोई दी, एड सोई दी, मूंद सोई दी, नाक सोई दी, पंचे सोई दी, सोए सोई दी, साय सोई दी, आख सोई दी, नाय। उसके बाद 70 आ गया। 70 को क्या बोलेंगे, ये हो गया साई दी। इसका स्टार्ट हो जाएगा साई दी, ओंद साई दी, एड साई दी, मूंद साई दी, नाक साई दी, पंचे साई दी, सोए साई दी, साय साई दी, आख साई दी, नाय। उसके बाद आ गया 80। 80 को क्या बोलते हैं, नखदी, सॉरी अखदी ना। तो अब इसका स्टार्ट हो जाएगा अखदी, ओन अखदी, एड अखदी, मूंद अखदी, नाफ अखदी, पंचे अखदी, सोए अखदी, अखदी सोए सोए साय अखदी, आख अखदी, नाय। उसके बाद आ गया 90। 90 को क्या बोलते हैं, नायदी, है ना। अब इसका स्टार्ट हो जाएगा नायदी, ओंद नायदी, एड नायदी, मूंद नायदी, नाक नायदी, पंचे नायदी, सोए सोए नायदी, साय नायदी, आ नायदी, नाय। इसके बाद आ गया 100। इसको बोलते हैं सुट्टी, है ना। तो बस इतना है। आप लोग अगर एक बार पूरा इसको लिख लेंगे ना, तो ही आप लोगों को याद हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है। ठीक है, पूरा इसको इस तरह से लिखने की कोशिश मत कीजिए, इसको बस बोल बोल के इस तरह से लिखिए, और इसे कुछ इस तरह से पढ़िए जैसा मैंने अभी पढ़ रहा था, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर इस पे बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व करके आप लोगों को वीडियो में बना के दिखाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा है। ओके, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर किसी और तरह से चाहते हैं, तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दीजिए। थैंक यू।